ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप पुरुषार्थ मूर्ति हैं। पुरुषार्थ परमानंद सएव मूर्तिर्जस्य। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति आनंद चाहता है, सुख चाहता है, तो सुख को या आनंद को ही पुरुषार्थ कहता है शास्त्र। तो भगवान पुरुषार्थ मूर्ति हैं, वास्तव में परमानंदमय वही हैं। तो हे पुरुषार्थ मूर्ति, आपको इस रूप में जान करके जो लोग भजन करते हैं कि भगवान ही परम पुरुषार्थ है, परम आनंदमय है, आपसे और कोई कामना नहीं करते हैं। सत्यास्ति सो ही भगवान तवपाद पद्म आशीष आशीष राज्य आदि की अपेक्षा आपके चरण कमल ही वास्तविक है, आशी है, वास्तविक पुरुषार्थ है। इस बात को जो जानते हैं और इस भाव से भजन करते हैं वो तो ठीक ही है, वो तो फर्स्ट क्लास के भक्त हैं जो केवल आपकी प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं, आपकी सेवा के लिए। लेकिन अपि एवं आर्ज, हे स्वामी, हे नाथ, मेरे जैसे जो सकाम भक्त होते हैं और राज्य आदि की कामना करते हैं, उनको भी आप मुक्ति देते ही हैं, अपना पार्षद बनाते हैं। जैसे नव प्रसूता गौ अपने बच्चे को दूध तो पिलाती ही है, लेकिन वृक आदि से वो रक्षा करती है। ते हैं, जैसे गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है। हम लोगों ने देखा है इस बात को, जब गाय बच्चा देती है तो बच्चे के पास खड़ा रहती है और चाहती है कि बच्चा मेरा दूध पिए, हमेशा कामना करते है, उसके थन में दूध भरा रहता है, पिलाना चाहते। और देखा गया है कि कोई कुत्ता अगर आस पास आता है तो उसको भगाती है, मारती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हटा देती है, किसी को आने नहीं देती। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब इसके बाद गाय का वो स्वभाव बदल जाता। तो वासरा, वासरा का अर्थ होता है तत्काल में ब्याई हुई गौ, जो तत्काल बच्चा दी है, वासरा। तो जैसे अपने बच्चे के प्रति गाय परम वात्सल्यमयी होती है, दूध पिलाती है, चाटती है और वृक आदि से रक्षा करती है, उसी तरह से हे प्रभु, आप ऐसे स्नेह करते हैं हम जैसे सकाम भक्तों से दिनों से, कि हम लोगों की जो इच्छा होती है वो तो आप दे ही देते हैं, पोषण करते हैं, परंतु इसके साथ साथ संसार बंधन से भी हम लोगों का मुक्त कर देते, अपने धाम में ले लेते हैं। तो ध्रुव महाराज के कहने का यह आशय है कि यद्यपि मैं अपने घर से निकला था बहुत उत्कृष्ट राज्य पाने के लिए, लेकिन मैं आपसे पूर्ण आशा रखता हूँ, पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप हमें अपना नित्य सेवक बनाएंगे, हमें अपना पार्षद बनाएंगे, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। बहुत सुंदर श्लोक है यह, भगवान का यह स्वभाव। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे अम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख। भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरा भजन करता है, मेरा भजन करता है और मुझसे विषय सुख मांगता है, संसारिक सुख मांगता है, तो वो तो अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है। तो आमी विज्ञ सही मूर्ख है, विषय कहने देव स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाई। तो मैं तो विज्ञ हूँ ना, अगर वह मूर्ख है मेरा भक्त तो मांग रहा है, विष मांग रहा है, तो मैं क्या विष दूंगा? नहीं दूंगा। अपना चरणामृत दे करके, अपना चरण कमल दे करके उसे विषय की लालसा को भी भुलवा दूंगा। ये भगवान का स्वभाव। दूसरे देवी देवताओं का ऐसा स्वभाव नहीं है, जो आप मांगेंगे उसी को देंगे, थोड़ा कम देंगे, मतलब आप जितना मांगेंगे उतना नहीं दे सकते। जितनी जीव की कामना होती है उतना उनके पास है ही नहीं, देंगे क्या? और जैसे वो मांगता है वैसे ही देते वो हित नहीं करते हैं जीव का। इस विषय में एक कथा लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी ने भी इस बात को कहा है कि दो व्यक्ति थे, पड़ोस में रहते थे, दोनों में बहुत झगड़ा था, बहुत कलह चलता था दो आदमी में।
और दोनों शिव जी के भक्त थे। तो एक व्यक्ति शिव जी की आराधना कर रहा था, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, आशुतोष है ही, प्रसन्न हो गए, कहे कि वर मांगो वर मांगो। तो सोचा क्या वर मांगू। भगवान शिव ने कहा कि जो वर तुम मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। भगवान ने सोचा कि आखिर वो भी तंग करेगा एक दिन, तो इसीलिए तुमको ही वर देकर उसको भी दे देता हूं, तो तुम जो मांगोगे वो उसको दुगना मिलेगा। तो सोचने लगा क्या मांगू। तो उसने सोचा कि मैं अपनी एक आंख फोड़वा लूंगा तो उसकी दोनों फूट जाएगी, ये उसका विचार आया। तो उसने कहा कि सरकार ऐसा कीजिए, आपके हाथ में त्रिशूल है, हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो उसकी एक आंख फोड़े तो उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। देवता लोग इस तरह से हित करते हैं। अपनी पूजा करने वाले को ही मार डालते हैं, ये स्वभाव है देवताओं का। जैसे इंद्र, इंद्र की हर एक साल पूजा करते थे गोप लोग ब्रज में, हर एक साल बहुत खिलाते थे, पकवान बना बना करके। वो खाने आता भी नहीं था लेकिन वे लोग भोग लगाते थे। एक साल कृष्ण के कहने से नहीं लगाए तो पीछे का किया गया उपकार वो सब भूल गया, जान से मारने के लिए वर्षा करने लगा। और जो लोग इंद्र की पूजा कभी नहीं करते थे वे लोग सेफ थे। मथुरा में एक बूंद वर्षा नहीं हुई, कंस आदि के डर से वर्षा नहीं हुई। कंस इंद्र का द्रोही था लेकिन द्रोही को मारने के लिए वर्षा नहीं किया इंद्र, अपने पुजारियों को अपने भक्तों को मारने के लिए 7 दिन वर्षा की। तो बेटर तो यही था ना कि बल्कि नहीं पूजा किए होते, नहीं ऑफर किए होते कुछ तो सेफ था। देवता बड़े खतरनाक है, थोड़ी भी गलती हुई तो पुजारी को ही खत्म करते हैं। लेकिन भगवान तो बहुत दयालु है, वे तो भाव देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। यह भगवान का स्वभाव है। देवता लोग का कोई भजन करे तो देवता लोग फल देते हैं, वर देते हैं, लेकिन एकदम सोना जैसा तौल करके देते हैं, ज्यादा नहीं देते, जितना कष्ट सहे उतना ही देते। और आप सुन रहे हैं, भगवान तो अपने को दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। जो विष लगा करके अपने स्तनों में आई मारने के लिए उसको गुलोक दे दिया, माँ की गति दे दिया, भगवान ये सब जोड़ते नहीं। देवता लोग पूरा हिसाब देखते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं का यह स्वभाव होता है कि आप उनको बेल फल के बराबर अगर अर्पण कीजिएगा तब सरसों के बराबर वो देंगे, इतना ये उनका स्वभाव होता है। मर जाइए भजन करके तो थोड़ा सा कुछ दे देंगे बस, और वो भी देने में उनका दम निकल जाता है देवताओं का। सोचते हैं अब ऐसा नाम नहीं लेंगे देने के, थोड़ा दे करके और बहुत महसूस करते हैं। भगवान बहुत दे करके कुछ नहीं समझते, संकोच करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने रावण को संपत्ति दिया लंका की, कब, जब रावण अपना मस्तक काट करके अर्पण किया, और 10 बार भगवान शिव के वर से उसका मस्तक आ जाता था, तो 10 बार उसने मस्तक काट कर अर्पित किया तब लंका का राज्य मिला उसे। और वही लंका का राज्य भगवान श्री राम ने विभीषण जी को केवल प्रणाम करने से दे दिया, मस्तक काटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल मस्तक झुका देने से दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। और भगवान संकोच कर रहे थे, क्या दूं, कुछ मेरे पास है नहीं, संकोच से दे रहे थे। ये सब स्वभाव है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जनक प्रकारेण विष्णु का ही भजन करना चाहिए, कल्याण ही होता है। उनके शरण में जाने पर निश्चित कल्याण होगा, लोक परलोक सब तरह से।